हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा पैशन। आज हम ड्रेसिना फ्रेगनेंस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कॉम्पैक्ट ड्रेसिना बोलते हैं, स्ट्रिप ड्रेसिना बोलते हैं और कॉर्न प्लांट बोलते हैं। इसका केयर कैसा होना चाहिए ताकि इसका ग्रोइंग जो है बहुत अच्छे से हो सके। ये एक जाना माना हाउस प्लांट है, इसको चाहे आप इंडोर में रख सकते हो या आउटडोर में रख सकते हो। जब हम इसका केयर के बारे में बात करते हैं तो पहले आता है इसका जो सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए। इसको जैसे दूसरे प्लांट के लिए जैसे चाहिए होता है वेल ड्रेनिंग सॉइल, इसको भी वैसे चाहिए होता है, बट इसकी मिट्टी में थोड़ा ये मॉइस्चर रहना पसंद करता है, इसको थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद है, पूरी बोन ड्राई होने से इसको पसंद नहीं आता। तो इसका वेल ड्रेनिंग सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम इसमें इक्वल अमाउंट में गार्डन सॉइल और रिवर सैंड, कोकोपीट एंड कंपोस्ट लेंगे। फिर उसमें थोड़ी सी नीम के एक पाउडर डालेंगे, जिसको हम नीम खली बोलते हैं, फिर थोड़ी फंगीसाइड, इसको मिला के इसको प्लांट कर देने से इसका अच्छा होता है। इसको थोड़ी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर पसंद होता है, तो फिर हम अगर इसमें खाली वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डालेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑयल ड्रेनिंग होने के साथ कोकोपीट जैसे हम डालेंगे इसमें, ये थोड़ा मॉइस्चर को होल्ड करेगा, जो कि इसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर अभी आता है इसका सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, कितना सनलाइट इसको मिलने से इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो इसको जैसे लो लाइट से लेके फुल सनलाइट इसको पसंद है, पर ये पार्शियल सनलाइट में और सेमी शेड एरिया में ये बहुत अच्छा करता है। फिर आप इसको अगर रखना चाहते हो, जैसे सुबह मॉर्निंग सन इसके ऊपर 2-3 घंटे का आए, फिर इसके ऊपर शेड आ जाए, तब ये बहुत अच्छा ग्रोथ होगा इसका। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो इसका जो लीव्स है वो सारे डैमेज होता जाता है, स्क्रॉच हो जाते हैं इसके ऊपर। सो इसको आप सेमी शेड एरिया में रखने से इसके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। इसको इवनली मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद है। आप इसके सॉइल को अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे ड्राई रखोगे तो फिर ऐसे मेरा जैसे लीव्स का टिप ऐसे ब्राउन हुआ है, ऐसे ब्राउन टिप हो जाता है। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग भी करोगे जैसे दूसरी प्लांट के तरह, ये भी ख़राब हो जाता है। और विंटर में इसको थोड़ा जैसे वाटरिंग आप करते हो, थोड़ा देख के वाटरिंग करना चाहिए, उसका वाटरिंग थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि इसको विंटर में ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसका सॉइल को पूरा बोन ड्राई कर दीजिए, ताकि ये इसका जो लीव्स है बहुत सारे ड्राई एंड क्रंची होके ये पौधा ख़त्म हो जाए। अभी फिर हम बात करते हैं इसकी पॉट सिलेक्शन के बारे में, इसको कितना साइज का पॉट देने से इसका ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। जब मैं लाई थी ये मैक्सिमम 1.5 फीट का था, तभी ये 9 इंच के एक पॉट में था। फिर थोड़े दिन के बाद इसमें रूट बाउंड होने के बाद फिर मैंने इसको 12 इंच में पॉट में शिफ्ट किया। जैसे आप देख रहे हो ये जो था ये ऊपर का ये वाला है मेन जो प्लांट है, और ये जो है इसका पॉप निकला था, ये वाला इसके नीचे से जैसे कैसे पॉप, एक ही प्लांट था, ये दूसरा जो है इसका पॉप निकला था। सो वो जब थोड़े हाइट में 5 फीट अप्रोक्सीमेट हो गया, फिर वो 12 इंच का पॉट जो था वो रूट बाउंड होने लगा। रूट बाउंड होने के बाद फिर जब थोड़ी सी हवा चलती थी वो पॉट गिर जाता था, बहुत सारे नीचे मिट्टी वगैरह फैल जाती थी। फिर मैंने देखा ये दूसरा जैसे पॉप इसका छोटा सा निकल रहा था, 1 इंच या 1.5 इंच का वो निकल आया था। फिर मैंने इसको क्या किया, ये जो देख रहे हैं आप ये 16 इंच के पॉट में मैंने इसको फिर शिफ्ट कर दिया। फिर करने के बाद तब से ये इसी पॉट में है, और दोनों ही प्लांट अच्छे से इसका ग्रोथ हो रहा है और दोनों अच्छे से ही ग्रो कर रहे हैं। और ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरा इंडोर में रहता है, ये इंडोर में रहता है, तो अभी ये भी 2 फीट का है, ये 2 फीट का प्लांट है, पर 12 इंच का पॉट में वो लगा हुआ है ऐसे, यही दोनों ही है। अभी ये 16 इंच में तब तक रहेगा जब तक इसमें और पॉप ना निकल जाए या इसका ग्रोथ और थोड़ा अच्छे से नहीं ना हो जाए, फिर मैं इसको इसी पॉट में ही रखूँगी। अभी इसका पॉट कोई चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इसके लिए एनफ है इतना साइज का पॉट। अभी हम बात करते हैं इसकी प्रोपागेशन के बारे में। इसका प्रोपागेशन
चाहे तो आप, जैसे मैंने बताया इसमें नीचे से पॉप निकला था उसमें से आप कर सकते हो, या इसका स्टेम को, इसको स्टेम कटिंग से आप कर सकते हो। ऐसे कई जगह पे एक मैच्योर स्टेम लेके उसका लीफ हटा के आप अगर वाटर में रखोगे, पानी में इसको कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो उसमें रूटिंग होने लगती है। फिर आप इसको अच्छे से, जैसे इसका मैंने पॉटिंग मीडिया जो बताया वैसे उसको प्रोपागेट करने से बहुत अच्छे से ग्रोथ उसका हो जाता है। दूसरा होता है, नहीं तो आप काट के डायरेक्ट भी आप मिट्टी में इसको लगाने से इसका भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाता है। ये सारे ड्रेसिना प्लांट के एक जैसे ही प्रोपागेशन तरीका होता है। ये जैसे आप देख रहे हो, ये जो ड्रेसिना फ्रैगनस मेरे पास अभी दो वेराइटी का है। ये आप देख रहे हो जो मिडिल में है येलो स्ट्रिप है, और ये बड़ा वाला जो है ये बॉर्डर लाइन पे ही है, और एक आता है पूरा ग्रीन लीफ के साथ ये आता है। सो इनका जो प्रोपागेशन मेथड है ये सबका एक जैसा है, बहुत ईजी प्रोपागेशन इसका आप कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं इसकी जो फर्टिलाइज़र है, कौन सी फर्टिलाइज़र और कितना और कैसे देना चाहिए। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हो इसको मैं देती हूँ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, जो कि चाहे आप वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग मैन्योर हो, आप इसको मैं स्प्रिंग में एंड समर में, जो कि इसका ग्रोइंग सीजन है, तभी मैं इसमें डाल देती हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो मेरा 16 इंच का पॉट है, इसमें मैं 6 to 7 हैंडफुल ले जाती हूँ कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर। उसमें 2 teaspoon ले लेती हूँ सीवीड, जो ग्रैनुअल्स आता है उसको मिला के मैं इसको थोड़ा सा गुड़ाई करके इसमें दे देती हूँ। फिर जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेरा इंडोर प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है। इसके ऊपर, इसके सॉइल के ऊपर, जैसे वाटरिंग करने से पूरा सॉइल ऊपर आ जाता है, तभी मैंने एक सैंड का ऐसे कोटिंग दे रखा है। फिर अभी भी, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी सैंड इसके ऊपर आ जाती है। इसको तो मैं ऐसे ही गुड़ाई करके नहीं दे सकती, तो फिर इसको मैं क्या करती हूँ, 1 liter पानी में 1 teaspoon जैसे 5 ml जो सीवीड फर्टिलाइजर जो लिक्विड फॉर्म आता है उसको डाइल्यूट करके मैं इसको दे देती हूँ। फिर इसके लिए वही अच्छा होता है। और बट ये वाले को दूसरे जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट को ऐसा भी हो उसको वैसे लेके इसको सीयूडी ग्रैनुअल्स के साथ मिला के इसकी गुड़ाई करके मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको अगर आपको फर्टिलाइज़र देना हो, हमेशा याद रखिए स्प्रिंग में एंड समर में फर्टिलाइज कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसकी ग्रोइंग सीजन होता है, विंटर में तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये दूसरी आपकी प्लांट के तरह ये डोरमेंसी में जाता है। सो इसको समर एंड स्प्रिंग में फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो अच्छे से ग्रोथ के लिए। लास्टली हम बात करते हैं इसका जो पेस्ट प्रॉब्लम के बारे में। इसको एक्चुअली ऐसे तो कोई पेस्ट का अटैक नहीं रहता, बट इसको जैसे आप देख रहे हो मेरे जो टॉप लीफ से आप देख सकते हो, ये जब बहुत छोटे छोटे से थे, अंदर की तरफ थे, तभी इसको कुछ कैटरपिलर ने खा लिया था। और बारिश के सीजन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं तो कैटरपिलर तो होते ही है, और ये सारे प्लांट्स को अगर मैं थोड़ी सी ध्यान ना रखूँ वो सारे लीव्स को ख़राब कर जाते हैं। और दूसरा होता है जैसे कोई भी प्लांट्स में मिलीबग का अटैक हो और आपने उसके पास इसको रखा हुआ, इसमें मिलीबग आ जाते हैं, तभी सबसे अच्छा होता है जैसे नीम ऑयल सॉल्यूशन आप इसमें टाइम टाइम पे स्प्रे करते रहो, तभी इसको कुछ नहीं होता। या जब आप वाटरिंग करते हो तभी इसको अच्छे से, इसके लीव्स वगैरह को अच्छे से स्प्रे करके पानी दीजिएगा। मैं तो इसके जैसे अंडर लीव्स से ही लेके ऊपर तक जैसे स्प्रे कर देती हूँ बहुत अच्छे से। वो एक तो अच्छे से उसको पानी भी मिल जाता है, लीव्स भी धुल जाता है, तभी जो अगर कोई भी पेस्ट वगैरह हो वो भी धुल जाते हैं। और जब भी मैं थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई छोटी सी पेस्ट इसमें लगी हुई मुझे दिखाई देती है, इमीडिएटली मैं नीम ऑयल का सॉल्यूशन बना के इस पर स्प्रे करती हूँ। अगर मेरे पास नीम ऑयल ख़त्म हो जाती है तभी मैं क्या करती हूँ, 1 liter जैसे पानी में 1/4 जैसे टीस्पून ले लेती हूँ बेकिंग सोडा एंड 5-6 जो ड्रॉप है उसको ले लेती हूँ भीम जेल, उसको मिला के अच्छे से उसको डाइल्यूट करके फिर इसके ऊपर मैं स्प्रे कर देती हूँ। फिर जैसे स्प्रे करने के बाद उसके दूसरे दिन जैसे मैं इसको क्या करती हूँ, पानी से फिर धो डालती हूँ, वो सारे साफ़ हो जाते हैं, फिर इसमें कोई पेस्ट से इसमें दिखाई नहीं देते।